अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, मैं हूं आपका अपना भाई राशिद मुनीर। तो अभी यार रात के ना तकरीबन 3 बज चुके हैं, सही है। तो यार एक ना बुरी खबर है, वो ये है कि अभी ना हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी ना जॉब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो दुआ करें हमारे लिए। पहले ना काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, कुछ अरसे से ना हमें लग रहा था कि काम के ना हालात ख़राब होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन यार हमने पहले भी कोशिश की है, करते रहे हैं, लेकिन अभी ना अचानक हमारी जॉब चली गई। तो यहाँ पर हालात तो काफ़ी डाउन चल रहे हैं जॉब के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 4-4, 5-5 महीने से काम है ही नहीं है, लेकिन अभी अचानक हमारी भी जॉब चली गई है। तो हम वैसे परेशान तो हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इतने भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगी। आज हमने ना कल 2 जगह पे अप्लाई किया है, 1-2 कंपनी में सी वगैरह सेंड किया, उम्मीद तो है मिल जाएगी। उम्मीद नहीं आती, रात को क्या करेंगे यार। सुबह तकरीबन 7 बजे सोना होता है तो 2-3 बजे उठ जाते हैं, कुछ 1-2 जगह अप्लाई करते हैं, फिर ऐसे घूम घूम के दिन हो गया, रात हो गया, बस ख़त्म। तो अभी ना एक लड़का था तकरीबन मुजफ्फरगढ़ का, सही है, वो छुट्टी गया, छुट्टी वापस आया तो उसको जॉब नहीं मिली, 3 महीने वो फारग बैठा रहा, उसके बाद उसको जॉब मिली है। अभी वो एक मेडिकल स्टोर पर लगा, मेरा उससे रब्ता हुआ है, तो उसने बताया यार अर्शद भाई अभी मुझे मिली है जॉब। तो यार ऐसे हालात चल रहे हैं बहुत, यानी कि ना कंडीशन जॉब की ना डिफ़िकल्ट हालात चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो दुआ किया करें सबके लिए। तो यार जो नए लोग आ रहे हैं ना हो अभी ना हो, कंडीशन बहुत ख़राब है। देखें अभी मैं अच्छा भला जॉब पर लगा हुआ था, तकरीबन 11 बजे जाता था, रात को 1-2 बजे वापस आता था काम पे, ठीक है, पैसे मिल रहे थे, खुशहाली थी, लेकिन खुशहाली तो अभी भी है, लेकिन यार फिर टेंशन तो होती है ना अचानक जॉब चली जाए। तो अभी 2 दिन से काम पे नहीं जा रहा, तो देखें फिर हालात अभी, तो जागना पड़ता है रात को। दुआ करें, उम्मीद है इंशाल्लाह। अभी ना तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं कई कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे अपने लोग यार फारग बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी किसी की हायरिंग नहीं चल रही, सिर्फ नून की हायरिंग चल रही है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता किया, उसने कहा चले मैं ना आपको बताता हूँ, तो दुआ करें NOC पे काम बन जाए। मैंने उसे कहा कि यार NOC है, ले लूँगा इंशाल्लाह। मैंने एक और जगह अप्लाई किया थोड़े दिन पहले, लेकिन उनका अभी ना उन्होंने कुफू में नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं यार, सही बात है, मैंने एक में बोला था लेकिन मैंने ना उसमें किया नहीं है, ठीक है। तो यार उसमें मेरा दिल नहीं कर रहा था करने को, तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त ना फ़िलहाल मैं लगा हुआ था, लेकिन अब अचानक 2 दिन से ना क्लास बाय बाय टाई हो गया, जॉब ख़त्म होगी। तो अभी डिलीवरों में तो वैसे नहीं जॉब चल रही, जॉब बोल दिया वैकेंसी नहीं आ रही काफ़ी अच्छे से, जिन कॉन्ट्रैक्टर के पास है वो खुद बोल रहे हैं कि यार डिलीवरों ले नहीं रहा। अभी नून में है, नून फूड में है, ठीक है। तो देखो यार दुआ करो मेरे लिए कि कहीं ना जॉब का जुगाड़ लग जाए, सही है, अच्छा है, काम करते हुए ना अच्छे लगते हैं। तो बाकी सब के लिए दुआ करें, जो नहीं आना चाहते हैं ना यार वो भी रुक जाएं, लेकिन आ भी जाएं, आपकी किस्मत है, आप आजमा लें अपनी किस्मत, लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बिल्कुल हालात नहीं है, पैसे ना ख़राब करें, कुछ सीख कर आएँ यार, मेरी तरह विल ले ना आए, ठीक है, मुझे तो कुछ और काम भी नहीं आता, तो आप कुछ ना सीख कर आएँ, कुछ आपके पास हुनर होना चाहिए तो आपको ना कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन यार मुझे तो पहले मैं 1 साल फारग रहा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मिली, ठीक, आसानियाँ पैदा होनी शुरू हुई, फिर अचानक से जॉब चली गई। लेकिन इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। काफ़ी अर्सा मैं यूट्यूब से ना बिल्कुल बंद था, आपको पता है, तो कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हो गया था जॉब में, अभी मैं फारग हूँ बिल्कुल, ठीक है, कोई जॉब नहीं है। तो इंशाल्लाह हर रोज़ व्लॉग बनाया करूँगा, जब उठा करूँगा ना उसी वक्त, ठीक है, सुबह जुमे सुबह टाइम से उठूँगा इंशाल्लाह, तकरीबन 11 बजे 1:30 बजे जुमा होता है, इधर ही पढ़ेंगे, सामने मस्जिद है, तो उधर जुमा पढ़ेंगे, उसके जुमे से पहले व्लॉग स्टार्ट करेंगे, सारा दिन क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं करने को होता यार, बस कभी यहाँ से ना वो सामने जो बिल्डिंग है ना ये वाली, ठीक है, इसमें मैं रहता हूँ, तो उसके नीचे से गली में आके ना मैं खड़ा हो जाता हूँ, कभी इस तरफ जाता हूँ कभी इस तरफ जाता हूँ, ठीक है, कोई और काम नहीं है मुझे वैसे, तो यहाँ पर दुबई में ऐसे ही है। अभी वहाँ पे तंदूर चल रहा है, ठीक है, वो सामने नहीं दिख रहा, हाँ वो सामने वो तंदूर है, थोड़ी देर बाद ना वहाँ रश हो जाएगा, फुल रश, लोग आएंगे वहाँ पर रोटी लेने परोठे लेने, तो उस तरफ भी है, पीछे भी है, ठीक है। मैं इस जगह पे ना थोड़ी लाइटिंग शाइटिंग भी थी, तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेते, कुछ कहने को भी नहीं है, तो आप लोग मुझे बताया करें मैं किस कंटेंट पे वीडियोस बनाऊं, ठीक है, आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस पे वीडियोस बनाया करूं, ताकि आप लोग सुने समझें, मुझसे सवाल करें मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है,
कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कुछ और लोगों को लेकर आया करूँगा, उनसे पूछा करेंगे जॉब के मतलब क्या काम करना चाहिए, कुछ मेरी भी सलाह हो जाया करेगी, मुझे भी पता चल जाया करेगा, साथ में आपको भी बता दिया करूँगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ करते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं यूट्यूब पे क्या बनाऊँ। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि हेलमेट वाला ना कैमरा लेता हूँ, प्रो कैमरा। ठीक है, तो उसके बाद वो सारा सेटअप मैंने ना पता किया ना, सारा सेटअप पता करने के बाद वो गुजर गया। एक तो यार शोर बहुत है, मैंने सारा सेटअप पता किया, सेटअप पता करने के बाद वो 1800 रुपये में दरम में आता है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो लिया नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है वो लेकर ना फिर मैं व्लॉगिंग करूँगा। मोटरसाइकिल तो है मेरे पास, ठीक है, मेरा इरादा है कि मैं ट्रैवलिंग व्लॉगिंग करूँ। ठीक है, पूरा दुबई जाऊँ, घूमूँ, आपको दिखाऊँ, वो दुबई सतवा ये शेख जया रोड आगे पीछे, ठीक है, इंटरनेशनल सिटी जाऊँ, फिर शारजा, अबू धाबी, अजमान, अलैन, यानी कि ना पूरा, फिर बाद में ओमान का सफ़र करेंगे या कतर का या बहरीन का, ऐसे करके सोच रहा हूँ कुछ। लेकिन उसके लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए थोड़ी बहुत, तो आस्ता आस्ता आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी ले लूँगा, लेकर ना फिर स्टार्ट करूँगा। और बाकी आप सब लोग खैरियत से हैं, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में मुझे बताएं। ठीक है, अभी मैं फारग हूँ, आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कहीं आपके पास जॉब है तो मुझे भी बताइएगा। ठीक है, तो मैं भी फारग हूँ, तो उसके बाद अगर किसी और को किसी किस्म अगर किसी को काम आता है ना, उसको आसानी से जॉब मिल जाती है। हमारा तो मैंने लाइसेंस लिया बाइक का, अभी चस्का पड़ गया बाइक का काम करने का। ठीक है यार, उसमें पता क्या, उसमें ना कोई बॉस नहीं है आपके। ठीक है, सुकून से जाओ, अपना आर्डर शार्डर करो, करके वापस आ जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने ना कार का लाइसेंस बनवाना है, काफ़ी लोग जा रहे हैं दुबई से ना, यूरोप भी जा रहे हैं, तो वो भी यार एक चीज़ है, वो उस पर बात करेंगे किसी दिन। ठीक है, काफ़ी मैंने ऑफिस का विज़िट किया, जो काफ़ी ऐप्स वगैरह चलाते हैं, कि हम माल्टा भेज रहे हैं, हम पुर्तगाल भेज रहे हैं, हम वहाँ भेज रहे हैं, जापान के वीज़े इंटर ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन उस पर ना एक अलग व्लॉग बना देंगे, वीडियो बना देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे। ठीक है, अभी वीडियो भी लंबी हो चुकी है, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल। ठीक है, पूरा वीडियो भी देख लिया करें, और लाइक तो बनता है ना यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।